राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों के सिलेबस में गोधरा कांड को हटाने का फैसला लिया है। दावा किया गया है कि सरकारी विद्यालयों की 11वीं और 12वीं कक्षा की किताब में गोधरा कांड की नेगेटिव जानकारी दी गई है। किताबों में हत्यारों का महिमामंडन किया गया है। सरकार ने ऐसी विवादित किताब को वापस मंगवा लिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि गहलोत सरकार में इन किताबों को सिलेबस में शामिल किया गया। हालांकि इन आरोपों को गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने सरासर झूठा और निराधार बताया है। उनके मुताबिक उन्होंने न इस पुस्तक का अनुमोदन किया न ऑर्डर दिया। ऐसे में सवाल है कि गोधरा पर झूठ फैलाने की परमिशन किसने दी, किसके आदेश पर हत्यारों का महिमामंडन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर राजस्थान की सियासत में गुजरात का गोधरा कांड गर्मा गया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की उन किताबों को वापस मंगा लिया गया है जिसमें 2002 में गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र किया गया है। ये किताबें सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने लिखी थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त स्कूली बच्चों की किताबों में हथियारों का महिमामंडन किया गया है जो बर्दाश्त से बाहर है। ये कोशिश की कि जो अपराधी थे वो अपराधी नहीं थे, वो अच्छे लोग। ऐसा करके गोधरा का जो दुर्घटना थी उसमें अपराधियों पर हत्यारों को महिमामंडित करने का प्रयास हुआ जो ठीक नहीं है। हमने इस पुस्तक को वापस मंगा लिया है, उसको बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, मेरे साथ प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार ने कहा है कि उनका मकसद बच्चों को गलत शिक्षा से बचाना है। इन किताबों में गोधरा कांड के बारे में झूठ फैलाया गया, समाज को बांटने की साजिश रची गई। उधर राजस्थान सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला है। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोपों को सरासर झूठ बताया है। गोधरा कांड पर आधारित किताब को वापस लेने के आदेश के बाद जहां राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है तो वहीं कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या जानबूझकर गोधरा कांड पर झूठ फैलाया गया? बच्चों की किताबों में हथियारों का महिमामंडन किसने किया? क्या इस बहाने नफरत फैलाने और जहर घोलने की साजिश है या फिर ये पूरा मामला सिर्फ सियासी है?